हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग इन क्लास 28 रिलेटिव इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर्स। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 9। सो इन दिस क्वेश्चन डाटा गिवन है कि सो ई लिमिटेड होल्स 25% ऑफ वर्किंग पावर ऑफ इन्वेस्टी। द बैलेंस 75% ऑफ द वर्किंग पावर इज हेल्ड बाई थ्री अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्डिंग 25%। द डिसीजन अबाउट द फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी आर टेकन बाई थ्री इन्वेस्टर्स होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पावर। क्विक मीन जो भी आपके ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन हैं दीज आर टेकन बाई दीज थ्री इन्वेस्टर्स। दे जनरली टेक डिसीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ ई लिमिटेड फॉर द अगर और द अगर थ्री इन्वेस्टर्स डू नॉट वोट इन फेवर ऑफ एनी चेंजेज और सुजेशन रिकमेंडेड बाई ई लिमिटेड। सो डिटरमिन वेदर ई लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी और नॉट। तो लगे सी तो आपको देखो क्या क्या मैंशन किया है। वेयर इज वन इन्वेस्टिंग कंपनी, तो एक है जो वन इन्वेस्टर हु इज ई लिमिटेड। सो देन देयर आर थ्री अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो एंड दे हैव और दे होल्ड 25% इक्विटी ईच ऑफ दिस इन्वेस्टिंग कंपनी एंड ई हैज 25% इक्विटी। सो नॉर्मली सो वी से ई हैज मोर देन 20% इक्विटी। सो इट मीन्स ई शुड हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बट इट इज गिवन दैट सो देयर इज एग्रीमेंट सो अमंग दीज थ्री इन्वेस्टर्स दैट दे कॉल मीटिंग्स एंड टेक डिसीजन्स एंड व्हेनेवर ई लिमिटेड प्रोवाइड्स एनी सुजेशन। सो इट मीन्स एनी सुजेशन सो बाय ई लिमिटेड सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दीज थ्री इन्वेस्टर्स हु हैव मेजोरिटी इंटरेस्ट। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दीज थ्री इन्वेस्टर्स। So it means we can say that through this contractual agreement or arrangement, did three investors prevent A Limited to take any decision regarding operating or financing policy of investing company. So it means we can say that did three investors prevent A Limited to take any so this any decision regarding operating or financial policies. So any decision which may be regarding operating or financial policies of investee company. So it means we can say that so A, this E Limited doesn't have significant influence over this investee company. So it means through this contractual arrangement, so therefore we can say that so E Limited so has no significant influence. So over investee company. So next let us see problem number 10. So in this question data given is M Limited holds 10% of working power of investee. The balance 90% working power is held by 9 other investors each holding 10%. Then decisions about relevant activities except decision about taking borrowings of the investee are taken by members holding majority of voting power. The decisions about taking borrowings not significantly affect the recurrence of investee are required to be taken by unanimous consent of all the investors. So determine whether M Limited has a significant influence over the investee. जिसमें आप देखिए आपको क्या क्या mention किया है। तो देर इज वन इन्वेस्टिंग कंपनी एंड एक है जो वन इन्वेस्टर सो हु इज एम लिमिटेड। तो एम लिमिटेड है जो 10% इक्विटी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। सो देन देर आर 9 अदर इन्वेस्टर्स सो हु होल्ड 10% ईच। सो इट मीन्स 9 इन्वेस्टर्स हैव 90% इक्विटी एंड जिस एम लिमिटेड है जो 10% इक्विटी। But all decisions around operating policies so are taken by majority investors. These are taken by majority investors. But decisions about borrowings of this investing company are taken unanimously. It means by consent of all 100% shareholders.
बट इट इज गिवन गैट डिसीजंस अबाउट बोरोइंग ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी. सो दीज आर टेकन बाय ऑल, सो टेकन बाय ऑल इन्वेस्टर्स टूगेदर. सो इट मीन्स इन बोरोइंग डिसीजंस एम लिमिटेड ऑल्सो टेक्स पार्टिसिपेशन एंड बोरोइंग डिसीजन किसी एवर फाइनेंशियल एक्टिविटी और वी कैन से इट इज फाइनेंशियल पॉलिसी. सो सिंस फाइनेंशियल डिसीजन आर टेकन बाय एम लिमिटेड, सो वी कैन से गैट यस सो एम लिमिटेड सो हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इन्वेस्टिंग कंपनी बिकॉज एम हैज बिलो 20% इक्विटी बट एम हैज राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी. सो देयर फॉर एम लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इन्वेस्टिंग कंपनी. नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन नंबर 11. इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं. RS Limited is an entity engaged in business of pharmaceuticals. It has invested in the share capital of an investee XY Limited and is holding 15% of XY total voting power. XY Limited is engaged in business of producing packing materials for pharmaceutical entities, which is also useful for RS Limited. And RS Limited has been procuring almost 90% of the output of XY Limited since the last many years. So determine whether RS Limited has a significant influence over the investing company XY Limited. So you are given that so RS Limited, so this is a pharmaceutical company. So we can say that it is a pharma company. So it has invested in equity of XY Limited. And this equity is 15% equity. And this XY Limited, so it is engaged in manufacture of packing material, or we can say it is involved in supply of packing material. So out of this packing material 90% so it is sold by XY Limited to RS Limited. It is sold to RS. It means RS Limited is purchasing 90% of packing material of XY company for packing of its pharma products. It means we can say that so RS is buying 90% of packing material so from XY Limited. So we have to determine so whether RS has a significant influence over XY or not. Yes, it gives a supply of 90% material. We can say that by XY to RS, this is our material transaction. So this is called as material transaction. So means we can say that our substantial sale of XY Limited, it depends upon RS Limited. So basic reason is substantial sale of XY depends upon so RS Limited. So since RS has less than 20% equity plus so RS has a material transaction with XY Limited because of this substantial sale. So therefore we can say that so yes, so RS Limited so has a significant influence so over XY Limited. And this material transaction is related to operating activity. This is major operating activity of XY Limited. So hence RS has a significant influence over XY Limited. Next we have problem number 12. जिसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. सो आर लिमिटेड इज ए टायर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. आर लिमिटेड है गारंटी को वाई अ लाइसेंस टू यूज इट्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड नो हाउ विच आर रिलेटेड टू द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स. वाई लिमिटेड इज डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एंड नो हाउ सप्लाइड बाई आर लिमिटेड बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस. फॉर गर आर लिमिटेड हैज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड. डिटर्मिन वेदर आर लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वाई लिमिटेड और नोट. तो इसमें आपको देखो मैंशन किया है वन इज कंपनी आर लिमिटेड. सो इट इज ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. So it has invested in 10% equity of Y Limited
एंड फर्दर इट इज गिवन गया कि आर लिमिटेड टू प्रोवाइड से टेक्निकल इंफॉर्मेशन और वी कैन से गया कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू वाई लिमिटेड. सो इन दिस केस सो आर है जो बिलो 20% इक्विटी बट इट ऑल्सो प्रोवाइड से टेक्निकल एडवाइस और टेक्निकल नॉलेज टू वाई लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चर. सो इट मीन्स वी कैन से गया कि so this is also material transaction. So we have seen that one of the indicator is when one company provides technical knowledge or expertise to other, it means this is also significant influence. So we can say that R limited so has a significant influence over Y limited. Because this technical knowledge will affect manufacturing activity of Y limited, which is our major operating activity. So we can say that R limited has a right of participation in operating activities of Y limited. Therefore, R limited has a significant influence over Y limited. Next, let us see problem number 13. इसमें आप देखिए डाटा आपको मेंशन किया है. An entity which is currently holding 10% of voting power of an entity has an option to purchase additional 15% voting power of the investee from other investors. So, however, the entity currently does not have financial ability to purchase additional 15% voting power of the investee, determine whether the entity has a significant influence over the investee. Which means, देखो आपको mention किया है, there is one entity, so it has a 10% equity of investee company, and plus it has potential voting rights, and which will provide 15% equity of investee company to this entity. But presently, this entity has no funds to purchase these voting rights. But whether it has a significant influence or not, so it means we have to see so financial ability. So does not affect our voting rights because we may subscribe in future. So we can say that for financial ability of entity to subscribe, these potential voting rights. Potential voting rights can be convertible securities, it can be options or warrants through which you can get additional shares. So this financial ability, so it is not considered. But we have to see, so this entity should be ready to subscribe these potential voting rights. So if it has a current ability to subscribe, then these will be considered. So on the basis of this, yes, we can say that so through these potential voting rights, this entity has a significant influence over the investing. So we can say yes, through potential voting rights, so entity has a significant influence so over the investing company. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. फर्दर टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.